टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का ये वीडियो किस पर होने वाला है विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टीडियो तो गाइज आज वो प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ मॉर्निंग में जो यूज़ कर रही हूँ एंड नाइट में जो यूज़ कर रही हूँ वो सारे ही प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसका ग्लो एंड सारी चीज़ें आपको मेरे फेस पे दिख ही रही होंगी तो ये बिल्कुल अभी मैं शावर लेकर आई हूँ इवन मेरे बाल भी गीले हैं तो शावर लेने के लिए रिसेंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है प्लम का बॉडी लविंग इसके अंदर जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है गाइज़ वो है कॉफ़ी एंड गुरमुन बटर एंड इट्स फील लाइक कि आप कॉफ़ी से नहा रहे हैं तो जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है उनको तो ये वाला बॉडी शावर क्रीम जो है वो पसंद नहीं आने वाला है जिनको फ्रेग्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको तो ये वाला जो शावर क्रीम है वो बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है एंड ये जो एक स्किन के ऊपर जो टेक्सचर छोड़ता है मॉइस्चराइजिंग वाला वो तो बहुत ही अच्छा है तो इस शावर क्रीम को यूज़ करने के बाद अगर आप बॉडी लोशन नहीं भी यूज़ करते हैं तो चलेगा तो so गाय अभी भी सर्दियाँ इतनी बढ़ी नहीं है शायद इस वजह से इससे नहाने के बाद जो है बॉडी लोशन लगाने जरूरत नहीं पड़ी लेकिन हो सकता है कि सर्दी जैसे जैसे पड़े आपको से नहाने के बाद बॉडी लोशन लगाने की जरूरत पड़े तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इस सावर क्रीम से लगाने के बाद आपको बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शावर लेने के बाद गाइस जो अपने फेस पर सबसे पहला प्रोडक्ट यूज़ करना है वो है टोनर अपने फेस को टोनर करने के बाद जो मैंने सेकेंड प्रोडक्ट यूज़ किया है वो है प्लम का मॉइस्चराइज़र इसके अंदर जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है गाइज फर्स्ट है ग्रीन टी एंड सेकेंड ये काकोडम प्लम से बना हुआ है एंड ये फ्रेगरेंस फ्री है एंड ऑयल फ्री भी है गाइस तो इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल ऑयली ऑयली नहीं लगेगा ये बिल्कुल आपके स्किन के जो है अंदर तक पोस्ट के अंदर तक चला जाता है और आपके स्किन को जो है वो पूरे दिन हाइड्रेटेड रखता है मतलब इसको एक बार यूज़ करने के बाद आपको पूरे दिन में और कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड जो है इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है एंड ये मॉइस्चराइज़र गाइज आपको बस इतना सा लेने की ज़रूरत है और ये आपके जो है पूरे फेस पर अप्लाई हो जाएगा सिर्फ इतना सा मॉइस्चराइज़र तो मतलब कि ये मॉइस्चराइज़र तो सबसे बेस्ट है तो गाइज़ अगर अभी तक आपने प्लम का ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं किया तो ये यूज़ कर सकते हैं थर्ड चीज़ जो मैंने अपने स्किन पे यूज़ करी है वो है ये प्लम का राइस वाटर नियासना माइट टेन परसेंट एंड ये जो है ये बहुत ही अच्छा सीरम लगा मुझे ये जो है इसका जो टेक्स्चर है गाइज़ वो बिल्कुल क्रीमी सा है एंड ये जो है स्किन के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है एंड बिल्कुल भी ऑयली नहीं रखता ये जो है मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है तो इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा है एंड बिल्कुल भी ऑयली नहीं है एंड बिल्कुल भी इरीटेटिंग नहीं है गाइस तो गाइज़ अगर अभी तक आपने अपने स्किन केयर रूटीन में ये वाला सीरम ऐड नहीं किया तो ये वाला सीरम ऐड कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे महंगे मेकअप प्रोडक्ट लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बहुत सारा महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें अपने स्किन पे। तो गाइज़ आजकल एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर इतना सारा पॉल्यूशन सन की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स स्किन के अंदर शुरू हो जाते हैं तो अगर आप एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे तो तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होंगे एंड हो सकता है कि ना भी हों क्योंकि एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छी रहे एंड अगर दिन की बात कर लिया है तो रात की भी बात कर लेते हैं <laughs> तो रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह धोने के बाद जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो ये है ये भी प्लम का है एंड जो इसका टेक्चर है वो लाइक एलोवेरा जेल की तरह है बट एलोवेरा जेल तो नहीं होगा इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसका वो भी है ग्रीन टी तो इसका जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी लाइट है एंड बिल्कुल भी जो है इरीटेटिंग नहीं है तो जिन लोगों को फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम है वो ये वाला जो है प्लम का रेंज बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है के अंदर तो स्पेशली लिखा भी हुआ है कि ये फ्रेगरेंस फ्री है एंड इसके अंदर बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है लेकिन इसके अंदर आपको हल्का हल्का स्मेल मिलेगा तो आप ये वाला भी यूज़ कर ये वाला यूज़ कर सकते हैं इससे भी जिनको फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका जो स्मेल है वो बहुत ही लाइट है इस विंटर में एक और मॉइस्चराइज़र लेकर आई हूँ वो है ममा अर्थ का ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र एंड इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल साइडर वेनेगर ये है एक्नेर पोर स्किन के लिए एंड ये पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है गाइस तो ये वाला क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं ये भी बिल्कुल ऑयली नहीं है इसका जो टेक्स्चर है वो क्रीमी इस तरीके का है एंड ये बिल्कुल आपके स्किन में जो है अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है इस प्रोडक्ट को जो है स्किन के अंदर ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लगता है बट ये ऑयली बिल्कुल नहीं लगता थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है एंड स्किन जो है बहुत अच्छा हाइड्रेटेड हो जाता है तो अगर आप इस विंटर कुछ न्यू यूज करना चाहते हैं तो ममा अर्थ का आप ये वाला ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑयल स्किन टाइप के लिए है अगर आपका स्किन ऑयली है ड्राई है तो भी आप ये वाला क्रीम जो है ईजिली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल बहुत अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है इवन जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं ये ऑल है। स्किन टाइप है चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई हो आप दोनों में ही ये जो दोनों प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ इस विंटर आप ये सेटाफिल का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे से यूज़ किया है ये आपका जो है ये फेस मॉइस्चराइजर भी है एंड जो है आपका बॉडी uh, मॉइस्चराइजर भी है तो, तो आप इसे अपने बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऑयली है तो जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का इशू है बहुत ज़्यादा जिनके स्किन के ऊपर वो वाइट वाइट सा जो है स्किन निकलने लगता है वो ये वाला क्रीम जो है अपने स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं सेटाफिल का पूरे दिन जो है वो आपके स्किन को ऐसे हाइड्रेटेड रखता है तो आप अगर बहुत अच्छा कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं इस विंटर जो आपके स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखे तो आप ये सेटअपल वाला क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जहाँ से आप इजिली जा कर कर सकते हैं तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए साथ ही साथ मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल 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 भी मत भूलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय